स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद, आज जो हम बात करेंगे इतिहास के BA प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, तो उससे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमारे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है DSCE। तो जो इस हमारी जो बुक है, बुक में जो हमारा टॉपिक दिया गया इश्यूज इन द 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से आने वाले हैं आज। 20वीं सदी में अवधारणाएं और विशेष परिभाषाएं, तो आपको दो अवधारणाएं दी जाएगी, एक तो साम्राज्यवाद और एक दी जाएगी आपको उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद बेटा शासन, वो शासन होता है जिस समय क्या होता है अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जिन्होंने भारत में आए और उन्होंने क्या किया, कब्जा किया, मतलब अपना ही अपना शासन करना। तो ब्रिटिश के बाद, उपनिवेश के बाद क्या हुआ, साम्राज्यवाद आया, जिन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद वो होता है जो कि किसी एक व्यक्ति के पास पूरा शासन हो, तो वो साम्राज्यवाद है। तो इससे एक क्वेश्चन हमारा आएगा, आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। दूसरी इकाई से अगर हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो हमारा क्वेश्चन है यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण है। प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में हुआ, और इसके कई कारण रहे हैं क्योंकि कई देशों ने क्या किया, संधि कर ली, और इसमें मोस्टली जो यूरोप के देश ही थे। सबसे पहली बात जो ये जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया से संधि की, इस तरीके से फ्रांस से संधि की, तो ऐसे ही धीरे धीरे हर एक देशों ने, कहा जाता है पूरा यूरोप दो खेमों में बट गया, जिसके कारण विश्व युद्ध होना बहुत ही स्वाभाविक था, और विश्व युद्ध हुआ भी प्रथम विश्व युद्ध, और क्योंकि हर एक देश संधि करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब परिणाम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी को इसका क्या क्या ठहराया गया, गुनाहगार ठहराया गया, और जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपना विस्तार करने के लिए दोबारा से उन्होंने नास्तिकवाद का प्रयोग किया। नास्तिकवाद का प्रयोग करते हुए वो काफ़ी दूर तक आगे तक गए, फिर उन्होंने किया लास्ट में अंतिम में ये गलती कर दी कि USSR पे अटैक किया, और जिसके कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गई। तो ये था हमारा क्या, प्रथम विश्व युद्ध। अगर दूसरा जो क्वेश्चन दिया जाएगा, राष्ट्रसंघ क्या और शासनादेश। राष्ट्रसंघ हम उसे बोलते हैं जो कि हमारा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बहाल करके रखती है, जिसका मुख्य उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना, व्यापार, पर्यावरण, व्यापार, स्वास्थ्य संबंधित किसी भी देश की क्या करना, मदद करना, ये राष्ट्रसंघ का उद्देश्य है। राष्ट्रसंघ के कई अंग हैं, जैसे महासचिव, सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सारे क्या हैं, इसके अंग हैं। फिर इसकी एजेंसियां भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाया गया ताकि विश्व के अंदर शांति को बहाल किया जा सके, ऐसे दो ही संगठन थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लीग ऑफ नेशन जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बनाई गई थी, और जो हमारा सेकेंड है UNO, संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसका गठन 1945 में हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा आता है, किससे, रूस से। भाई रूस से हमारा क्या आएगा, रूसी क्रांति क्या है। चलिए रूस की क्रांति, वो क्रांति 1917 में बोल्शेविक क्रांति से शुरू हुई। ये क्रांति मजदूरों द्वारा, लेबरों द्वारा, महिलाओं द्वारा, समाज के वर्गों द्वारा, और जितने भी जो हैं वहाँ के विद्यार्थी, अलग अलग हर एक पक्ष के लोगों ने वहाँ पे क्या किया, जो शासन व्यवस्था थी, क्रूरता व्यवस्था, उस शासन के विरुद्ध क्या किया, लोगों ने आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ उठाने के बाद वहाँ की स्थिति जो पूरी तरीके से बदल गई, और इस क्रांति से पूरे विश्व को एक सीख मिली कि यदि अगर हमें अपने परिवर्तन लेकर आना है तो हमें क्या करनी होगी, क्रांति करनी होगी। इसी को सीखते हुए क्या हुआ, जर्मनी ने भी 1919 में अपना विस्तार करना शुरू किया था, लेकिन जर्मनी ने साम्यवादी मॉडल को फॉलो नहीं किया। तो रूस की क्रांति, तो ये तो आपको पता चल गया। अब रूस की क्रांति का दौर और रूस विश्व का प्रभाव, रूस की क्रांति का विश्व पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा,
कहा जाता है रूस की क्रांति हो जाने के बाद वहां पे महिलाओं की स्थिति, कृषि में सुधार, वर्ग संघर्ष खत्म हो गया, राजा लोकतांत्रिक आ गए। ठीक है, राजा अब लोकतांत्रिक में जो लोगों ने चुना वही आए, वर्ग संघर्ष खत्म। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल के अंदर उन्होंने बताया भी है। तो इस तरीके से ये रूस की क्रांति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अगला आते हैं हम, उसके बाद है हमारा आधुनिकता। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता जो आज के समय में जो हमारी है, आधुनिकता प्रेजेंट टाइम में साम्राज्यवाद के खत्म होने के बाद आधुनिकता आई, जिसके समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक दूसरे देश अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपना अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे, और वहीं पर अधिकार और जनतंत्र। तो ये आधुनिकता एक ऐसा समय है जिस समय की क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना जनतंत्र इकट्ठा किया और लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। 5 क्वेश्चन कंफर्म है, आप देख लीजिए। सबसे पहले है हमारा समाजवाद उपनिवेशवाद में अंतर बताइए, ये तो फिर उपनिवेशवाद के बारे में पूछ लेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और उसके क्या परिणाम आए, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा, रूस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, रूस की क्रांति के कारण बताइए, रूस की क्रांति के क्या परिणाम आए, तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।